नमस्ते दोस्तों, किरण मिश्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं कुछ सब्जियों के साथ वेज सैंडविच बनाऊंगी, जो कि सेहत से भरपूर है और खाने में भी स्वादिष्ट है। जिसको बनाने के लिए मैंने एक छोटा पत्ता गोभी को इस तरीका से लंबे लंबे काट लिया है और एक टमाटर को स्लाइस कर लिया है मैंने। मैं खीरा को काट लिया है, धनिया पत्ता और ये उबले हुए आलू हैं जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने जो चटनी बनाई है ये धनिया मिर्चा और टमाटर की है, थोड़ी दरदरी पीस के बनाई है। ये टोमेटो सॉस, ये चीज़, ये मैंने बटर ले लिया, ये मैंने चिली और गार्लिक सॉस ले लिया। उसके बाद एक प्लेट में मैं एक ब्रेड की स्लाइस रखूँगी, उसके बाद इसमें मैं अच्छे से बटर लगा दूंगी। ये नीचे के साइड रहेगा इसलिए बटर इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से लगाइए। और इस तरीका से आप कम खाना चाहें बटर तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा डालने से वो सिकता अच्छा है। उसके बाद ये हरी चटनी डाल देते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों, चटनी तीखी हो तो थोड़ी कम डालें, और उसी हिसाब से मैंने डाला है। और चटनी को मैंने थोड़ी दरदरी ही रखी हुई है, इसका खाने में मुंह में जो जाता है पीस अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया, हल्का सा चाट मसाला डाला है। पत्ता गोभी को नीचे इसलिए रखा क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आपके पास अगर ये गाजर हो तो आप गाजर डाल सकते हैं, आपके पास कैप्सिकम हो कैप्सिकम डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा ब्रेड में मैंने बटर लगा के ऊपर से टोमेटो सॉस डाल दिया है। टोमेटो सॉस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये खीरे की स्लाइस रख दी है। खीरे की स्लाइस आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला नहीं डाला है, नमक डाला है। इसमें आप खीरे के हिसाब से नमक डालिए। उसके बाद मैंने फिर एक ब्रेड की स्लाइस ली, उसमें बटर लगाया और उसके बाद खीरे के ऊपर इस तरीका से रख दिया। इसके ऊपर मैंने टोमेटो रख दिया। टमाटर को भी आप देख रहे हैं मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा धनिया का पत्ता डाला और उसके बाद टमाटर के हिसाब से बहुत हल्का सा नमक डाला। नमक के बाद उसके बाद मैं एक और ब्रेड में चटनी लगा के, हरी चटनी लगा के इसको अच्छे से उसको रख दूंगी। तो आप देख रहे हैं ये इतनी सारी लेयर बन गई, अभी और लेयर बननी बाकी है। उसके बाद मैंने ये गार्लिक और चिली सॉस डाल दिया इसके ऊपर में। गार्लिक चिली सॉस अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो इसको स्किप करें, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें, तो अगर है तो आप ज़रूर डालें। ये मैंने आलू ले लिया जो मैंने बॉयल करके स्लाइस में काट लिया था, आलू को भी इस पे डाल देते हैं और आलू के हिसाब से इसमें नमक को हल्का सा डाल देंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर में थोड़ा सॉस डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हल्का ही डालिए। और उसके बाद मैं इसके ऊपर में चीज़ को ग्रेट कर दूंगी। चीज़ अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप हर हिस्से, हर लेयर ब्रेड की रखने के बाद आप चीज़ को हल्का हल्का डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं चीज़ डालना चाहती इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में चीज़ डाला है। इसके ऊपर भी मैं अच्छे से बटर लगा दूँगी क्योंकि इधर सिक के ही थोड़ी सी क्रंची बनेगी, तो बटर आप अच्छे से ही लगाइए। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने इसे ग्रिल में नहीं बनाया, मैंने पेन वाले ग्रिल में बनाया है। तो इसके ऊपर में मैंने नीचे बटर तो लगा ही दिया था। इसके बाद इसको रख के कोई भारी सामान इसके ऊपर रखेंगे ताकि जो ग्रिल का थोड़ा निशान है इसमें ब्रेड में बन जाए लाइनिंग, वो देखने में भी अच्छी लगती है और थोड़ी क्रंची हो जाती है। तो मैंने ये चकले को रखा है ताकि ब्रेड अच्छा से सेट हो जाए, सारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएं। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सीख लिया है, उसके बाद मैं इसको उठा के देखूंगी, अगर सीख गई है तो मैं इसको बहुत ही आराम से हाथ बचा के पलट दूंगी।
और इस तरफ भी मैं चकले को रख के थोड़ा सा उसको नीचे से सिक जाए इतना देर तक उसको छोड़ दूँगी। आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पक गई है, और देखिए इसमें इसकी पैन की थोड़ी लाइनिंग भी आ गई है, तो ये देखने में लग रही है कि मैंने इसे ग्रिल में बनाया है, बट मैंने इसको तवे पे बनाया है। और मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ, ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है ये खाने में और भी अच्छा लगेगा। और आप ये देखिए इतनी मोटी लेयर है जो कि सब्जियों से भरी हुई है और खाने में भी स्वादिष्ट है। और एक खाने से ही पेट भर जाएगा, मन ना भरे लेकिन पेट तो ज़रूरी भर जाएगा। तो ये सुबह का नाश्ता में, टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको इस तरीका से बना के ले जा सकते हैं। मैं इसे सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप इसको बनाइए, इंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए।